चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं ट्विटर से रिलेटेड। तो ट्विटर से रिलेटेड न्यूज़ ऐसी है, दिल्ली की पुलिस ने ट्विटर से जवाब मांगा है। ठीक है, ट्विटर पर जो सर्कुलेट होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट, तो उसके लिए ट्विटर ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ठीक है, इसके लिए ट्विटर क्या कर रहा है, ट्विटर से जवाब मांगा गया है। तो ट्विटर ने कहा है, जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसको आप ट्विटर कह रहे हैं, इट विल कंटिन्यू टू फाइट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। दूसरी बात ये है, यहाँ हमें कुछ कुछ टर्म देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, एक तो हम इसके बारे में देखेंगे, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यदि हम बात करें NCPCR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये एक वैधानिक निकाय है, विधि के द्वारा निर्मित निकाय, स्टेटरी बॉडी जिसको कहा जाता है। इसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, CPCR एक्ट 2005 के तहत। दूसरी बात यह है, ये किसके कंट्रोल में आता है, तो ये कंट्रोल में आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब कमीशन का काम क्या है? कमीशन का काम ये है कि हमारे संविधान में जो बातें चाइल्ड राइट्स के लिए कही गई हैं, वो बातें लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस प्रकार के कानून लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पॉलिसीज़ हैं कि नहीं हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इनकी देखरेख करने का काम निकाय करता। दूसरी बात ये है, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर भी जो बच्चों के अधिकार से रिलेटेड बातें कही गई हैं, उनको भी इंश्योर करने का काम ये कमीशन करता है। इसके अलावा ये इसकी भी इंक्वायरी करता है यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन कर देता है। ठीक है, जैसे बच्चों को हम कहते हैं ना कि शिक्षा का अधिकार है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का फ़ायदा बच्चे उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी भी इंक्वायरी करने का काम ये संवैधानिक निकाय करता है। इसके अलावा ये भी मॉनिटर करता है कि पॉक्सो एक्ट 2012 का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात हमें देखना था पॉक्सो एक्ट 2012 से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको कानून में लाया गया था ताकि हम जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो भी यौन अपराध हो रहे हैं, यौन हरासमेंट हो रहा है, और उनके लिए जो पोर्नोग्राफी की सामग्री बनाई जाती है, उसको रोका जा सके। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि हम बच्चों की श्रेणी में किनको रखेंगे। तो देखो, चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल तक की उम्र वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, तो हर एक स्टेज में बच्चों की हेल्प करना है, ऐसा इंश्योर करता है ये कानून, चाहे वो हेल्दी फिजिकल हो, इमोशनल हो, इंटेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट हो किसी बच्चे का। मतलब कि यदि किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, तो फिर उसका डेवलपमेंट भी सरकार को देखना है। इसके अलावा ये जो एक्ट है वो डिफाइन करता है डिफरेंट सेक्सुअल अब्यूज़ के रूप को, जिसमें शामिल है पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असाल्ट, इसके साथ साथ में सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है।
इसके अलावा इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यदि कोई बच्चा मेंटली रूप से इल है, मानसिक तौर से जो स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है, उसके साथ में यदि इस प्रकार के कारनामे किए जाते हैं तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाए, ठीक है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, टीचर हो और डॉक्टर हो। इसके अलावा ये जो एक्ट है वो ये भी तय करता है कि पुलिस जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है चाइल्ड को, वो सही है कि नहीं है, तो उसकी भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा इसमें ये अच्छी बात कही गई है कि इस प्रकार के जो अपराध हैं इनको हमें जल्दी से जल्दी निपटाना है। इसमें टाइम निर्धारित कर दिया गया है 1 साल का, ठीक है, मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट द ऑफेंस इज रिपोर्टेड। जिस टाइम में उसकी रिपोर्ट हुई है उससे 1 साल के भीतर में हमको ये केस को निपटाना है, ऐसी व्यवस्था भी इसमें की गई है। अब इसके बाद यदि हम सजा के प्रावधान की बात करें ना, तो इसमें धारा शामिल है 4 नंबर, सेक्शन नंबर 4। तो इसमें ऐसे मामले हैं जिसमें बच्चे के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और तो इसमें 7 साल तक की सज़ा से लेकर के उम्र कैद, और इसके साथ साथ में पैसे का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यदि हम सेक्शन 6 की बात करें तो इसमें ऐसे मामले आते हैं जिसमें पहले बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, इसके बाद उसको गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, इस कंडीशन में 10 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, और साथ में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जुर्माना भी और जेल की सज़ा भी। अब आते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं डिटेल में आखिर बात क्या कही गई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है, दिल्ली पुलिस ने एक डेट है जिसमें FIR दर्ज करी थी ट्विटर के अगेंस्ट में। अब ट्विटर के अगेंस्ट में उसने FIR दर्ज कर ली है, तो जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, अब इसका तो काम है कि ये पुलिस भी जो कामकाज कर रही है उसकी देखरेख कर सकती है। दूसरी बात ये है कि वो पॉक्सो एक्ट यदि कहीं पर लगा है तो उसको इंश्योर कर सकती है कि उसमें कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसी के चलते चलते NCPCR ने पुलिस से जवाब मांगा कि यदि उस दिन को आपने FIR दर्ज करे थे ट्विटर के खिलाफ में, तो फिर आपने उस आगे कार्रवाई क्यों नहीं करे। दूसरी बात ये है, इस प्रकार की यदि सामग्री दिखाई गई है ट्विटर में सो हो रही है, तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, ऐसा NCPCR ने क्वेश्चन किया था पुलिस से। इसी के चलते चलते अब पुलिस क्वेश्चन कर रही है ट्विटर से, जानकारी जुटा रही है। अब ट्विटर की तरफ से हम लोग जवाब देख लेते हैं क्या जवाब दिया गया है। ट्विटर ने कहा है, ट्विटर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड, इसके साथ साथ में हम कंटिन्यू काम करते रहेंगे टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड टूल दैट आर एसेंशियल टू स्टे अहेड ऑफ दिस इशू। इसके अलावा हम जो है टेक्नोलॉजी हो चाहे टूल हो उसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे इस इशू से निपटने के लिए। इसके अलावा क्या क्या कहना है, इसके साथ साथ में ट्विटर का ऐसा भी कहना है, देखो वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन प्रोएक्टिव डिटेक्शन, हम जो है जल्दी से जल्दी इस प्रकार की कोई सामग्री यदि हमारी वेबसाइट हमारे ऐप में आती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, इसके अलावा उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करने का काम करते हैं इस प्रकार के कॉन्टैक्ट को जो कि वायलेट करते हैं ट्विटर के रूल और वर्क करते हैं हम विथ लॉ इन्फोर्समेंट एंड NGO पार्टनर इन इंडिया, ताकि हम इस प्रकार के इशू को टैकल कर सकें। और दूसरी बात यह है, यदि देखा जाए ना इस प्रकार की चीज़ों को व्यू करना, शेयर करना, ठीक है, और लिंकिंग टू द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन मटेरियल, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंट, कॉन्ट्रीब्यूट टू द रिविक्टमाइजेशन ऑफ द डेपिसिटेड चिल्ड्रन,
एंड इज प्रोहिबिटेड ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की सामग्री को देखना, शेयर करना, सब बातें अलाउ नहीं है। इस प्रकार से यदि 2019 की हम बात करें ना, तो कंपनी ने लॉन्च किया था एक फीचर जिसमें कोलैबोरेशन हमको देखने को मिलता है विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनजीओस के साथ हमारे इंडिया के। तो ये लोग क्या करते हैं, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं यदि इस प्रकार से कोई सर्च करता है कीवर्ड सेक्स से रिलेटेड हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड कनाडा में। इसके बाद नेक्स्ट जो भी न्यूज़ हम देखेंगे उसमें हमें उल्लेख मिलेगा NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी है, इसको एक नियम कानून के माध्यम से बनाया गया है ताकि हम जो भी डिजास्टर आता है, चाहे वो कोरोना आया हो, चाहे भूकंप, बाढ़, अर्थक्वेक वगैरह, भूस्खलन, ऐसी चीज़ों से हम आसानी से निपट सकें, ठीक है। इसको फॉर्मली कंस्टिट्यूट किया गया था 27 सितंबर 2006 को, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत में। यदि हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें हमें चेयरपर्सन देखने को मिलता है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इसके अलावा 9 अदर मेंबर भी इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है, एंड वन सच मेंबर टू बी डेसिग्नेटेड एज वाइस चेयरपर्सन। अब इसको कौन कौन से काम दिए गए हैं, तो इसको जब गठित किया गया था तो उसका प्राइमरी उद्देश्य यही था कि हमें यदि कोई डिजास्टर देखने को मिलता है, चाहे वो नेचुरली आ जाए, चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, तो हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कौन लाएगा, वो लाने का काम यही करती है, टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। इसके साथ साथ में हमारी जो है कैपेसिटी वो बिल्डिंग हो सके, अगली बार यदि आता है तो हमारे अंदर कैपेसिटी होना चाहिए सरकार के अंदर कि हम फिर से उसको लड़ सकें। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड वाली न्यूज़ क्या कहती है। सेकंड वाली न्यूज़ में बात यह है, सरकार अपने हाथ पीछे खींच सकती है लेकिन सरकार को रास्ता दिखाने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगी थी, आप जवाब दो, यदि ये एक आपदा है कोरोना महामारी की, तो उस आपदा के तहत जो लोग मर रहे हैं उनको आप कंपनसेशन दीजिए, पैसा दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ को जी सकें। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल्स हम देख लेते हैं। द नेशनल अथॉरिटी NDMA फेल हो गई है टू परफॉर्म इट्स स्टेट्यूटरी ड्यूटी। इसकी जो ड्यूटी है ना, जिसके लिए इसको बनाया गया है, उसको बनाने का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये फेल हो गई है। एक्स ग्रेटिया असिस्टेंस प्रोवाइड करना था ऐसे व्यक्तियों को जिनके फैमिली मेंबर की डेथ कोरोना के से चलते हो गई है, तो वो प्रोवाइड यदि नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब है आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गए हो। इसके साथ ही साथ अब उसको जो है 6 महीने का टाइम दे दिया गया है, 6 वीक्स का टाइम आपको दिया गया है कि आप फ्रेम करिए गाइडलाइन को ताकि फिक्स हो सके जो अनुग्रह राशि है वो लोगों के अकाउंट में जा सके। आपको गाइडलाइन तैयार करना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं CGI ने क्या कहा है, ठीक है। CGI के की जो बातें हैं यहाँ से हमको दो ही प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। नंबर एक ये है कि लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, लोग जो कष्टों का सामना कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो ना रूलिंग पार्टी के चेंज होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, ठीक है। एक बार हमने दे दिए सामने वाले को वोट, उसने हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसका उसने कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, चेंज कर दिए पार्टी को, इससे लोग अपनी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक कानून जो बनाए गए हैं ना, उन कानूनों का संरक्षण कोई भी नहीं कर सकता। फ्रीडम मतलब लोगों को
आज़ादी, आज़ादी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो बर्ड ड्रॉपिंग से रिलेटेड है। बर्ड ड्रॉपिंग का मतलब होता है पक्षी जो उनका मलमूत्र रहता है ना, उसको ही बर्ड ड्रॉपिंग कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसने फॉर्मली रूप से एक इशू किया है, एडवर्टाइजमेंट को इशू किया है और लोगों से इनवाइट किया है प्रपोजल को, ताकि जो भी प्रॉब्लम है बर्ड ड्रॉपिंग से रिलेटेड इन सेंट्रल कोर्टयार्ड, इसका जो हेडक्वार्टर है ना इन इंदिरा पर्यावरण भवन नई दिल्ली, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्ड ड्रॉपिंग देखने को मिलती है इसके कोर्ट सेंट्रल कोर्टयार्ड में, तो इससे हम कैसे करके निपट सकते हैं, इसके लिए सरकार ने सुझाव मांगा है। तो ये नोटिस हमको देखने की मिली मिनिस्ट्री की वेबसाइट में ऑन वेडनेसडे के दिन, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि टेक्निकल रूप से हमें बताइए कि कैसे करके हम इससे निपट सकते हैं, इसके अलावा यदि कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है तो उसको भी आप जो है ऑफ़र करिए। ऐसा जो ऑफ़र है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए और टेक्निकली रूप से बढ़िया होना चाहिए, इसके साथ साथ में ज़्यादा पैसा उसमें खर्च ना हो। और दूसरी बात यह है कि हमें उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज नहीं करना है। ये तो ठीक वैसे ही बात है जैसे अकबर और बीरबल की जो कहानियाँ हुआ करती ना, वैसे ही। यदि आप लोग दे सकते हो तो ज़रूर सुझाव दे सकते हैं, आपको 1,00,000 रुपये का प्राइज मिलने वाला है। तो इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने, वो जो कमेटी है वुड शॉर्टलिस्ट 3 सॉल्यूशन, तो इसमें उनको 3 सॉल्यूशन की ज़रूरत है और जो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा उसको मिलेगा कैश प्राइज ऑफ 1,00,000, द मिनिस्ट्री नोटिस। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गूगल से, ठीक है। गूगल ने 59,350 पोस्ट को रिमूव किया है अप्रैल के महीने में। अब हम सब जानते हैं कि सरकार ने नया आईटी रूल लेकर के आई है, ठीक है। और ये जो आईटी रूल है उसमें शामिल की गई है कौन कौन सी कंपनी, 50,00,000 यूज़र जिस भी कंपनी के हैं, ठीक है, तो ऐसी कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा कॉम्प्लियंस रिपोर्ट को हर महीना, मॉनिटरिंग द डिटेल ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन, किस किस प्रकार की कंप्लेंट आपके पास आई हैं और क्या क्या एक्शन आपने लिए हैं, ऐसी रिपोर्ट आपको हर महीने जारी करना पड़ेगा, नया लॉ ये कहता है। तो इसके पास किस किस प्रकार की कंप्लेंट आई है वो हम देख लेते हैं, ताकि हमें कुछ जानकारी हो जाए कि हमें इंटरनेट पर भी किस किस प्रकार के अपराध ही कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। 96% हम कंप्लेंट ऐसी आई थी जो रिलेटेड थी कॉपीराइट से रिलेटेड, और इंटरनेट में आपको दिखती है ना चीज़ें, इस वेबसाइट में भी वे एक सी है, उस वेबसाइट में भी एक सी है, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है असली सोर्स क्या है इसका, तो कॉपीराइट के इशू सबसे ज़्यादा रहता है इसमें। दूसरी बात यह है ट्रेडमार्क का, ट्रेडमार्क के अलावा डिफेमेशन है 1%, ट्रेडमार्क का 1.3%, इसके अलावा इसमें लीगल वर्ड यूज़ किया गया है तो लीगल 1%। अब लीगल किस रूप में कहा गया है ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ से। दूसरी बात यह है काउंटर फीट 0.4%, इसके लिए हमें, और इसके बाद सर्कमवेंशन 0.1%। और यदि हम ये बात करें कि एक्शन क्या क्या लेता है गूगल, तो सबसे पहली बात तो ये है जब हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं किसी इंडिविजुअल के द्वारा रिगार्डिंग अलीगली अनलॉफुल या फिर हार्मफुल कंटेंट की, तो हम उनको रिव्यू करते हैं। इसके अलावा हम ये डिटरमाइन करते हैं यदि जो कंटेंट है वो वॉयलेट कर रहा है हमारा कमिटी जो हमारी गाइडलाइन है, इसके अलावा कंटेंट हमारी जो कॉन्टेक्ट की पॉलिसी है, या फिर मीट लोकल लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिमूवल, तो इस प्रकार की सामग्री को हम रिमूव कर देते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन के लिए सरकार को कहा है, ठीक है। कोरोना के चलते चलते जिन पेरेंट्स की डेथ हो जा रही है तो उसके लिए हमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए उनका जो डेथ सर्टिफिकेट सरकार बना रही है, ताकि सरकार की कोई भी स्कीम यदि चलाई जाती है कोरोना के रिगार्डिंग
तो उसका वो लाभ ले सके। जैसे कि सरकार ने अभी कुछ समय पहले अनाथ बच्चों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका लाभ वो कैसे मिलेंगे यदि उनकी डेथ सर्टिफिकेट में ही उसका यदि उल्लेख नहीं रहेगा तो। दूसरी बात ये है, अभी अनुग्रह राशि की भी बात चल रही है, कोरोना के चलते चलते जो लोगों की डेथ हुई है उनको कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका भी लाभ उनको कैसे मिलेगा। डेथ सर्टिफिकेट सही होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है, आपको करेक्टली मेंशन करना पड़ेगा। यदि आप सही सही मेंशन नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं है कि लोगों को ऑफिस के 10 चक्कर काटने पड़ जाएं, तो यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो उसको रीएड्रेस करने की प्रोसेस भी जो है सही होना चाहिए।